हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल सॉल्यूशन पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s, जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इन मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, सैमसंग की M सीरीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि वो सॉफ्टवेयर वगैरह पे अटक जाता है या प्रॉब्लम करता है। अब जैसे कि मेरे पास ये सैमसंग गैलेक्सी M30s है, तो इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये सॉफ्टवेयर ले रहा है और ना ही जो है मतलब ये सैमसंग इस लोगों से आगे बढ़ता है। यदि ये नॉर्मल सैमसंग वाले लोगों पे आता है तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी होगा, जो कि हम इसे बटन वगैरह दबा के हार्ड रीसेट कर सकें। बट ये कोई भी हार्ड रीसेट वगैरह, वाइप डाटा वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ये इस लोगों से जाके आगे बढ़ रहा है और ना ही ये चार्जिंग भी लेता है। और अगर चार्जिंग लेता है तो इसका कंडीशन ऐसा हो जाता है कि बस खाली ये चार्जिंग के अडेप्टर पर अटक जाता है। बट तो अब मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ, आपको इसमें ऐसा क्या करना है जो ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका सिम ट्रे है, सिम स्लॉट है, इसको निकाल लेंगे। इसको निकाल लेंगे, फिर इसको नॉर्मली हम ओपन करेंगे। बहुत ही आराम से इसको आपको ओपन करना है ताकि जो है कहीं से भी डैमेज ना हो और ना ही आपकी ये स्लिप करनी चाहिए। इसको बहुत ही इजीली होता है ओपन करना, एंड इसको आपको एकदम से नहीं उठाना है, आपको बहुत ही नॉर्मली ओपन करना है गाइस। यदि आप इसमें ज़्यादा फोर्स करते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट हट सकता है या टूट सकता है। तो गाइस हमने इसे ओपन कर लिया है, तो इसको क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे फिंगरप्रिंट एंड इसके सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे। तो अब हमको ये करना है कि जो इसका इसके सारे स्क्रू हैं इन्हें ओपन कर लेना है बहुत ही प्यार से। इसकी प्लेट निकाल लेनी है, जो कि हमने बहुत ही आसानी से निकाल ली है, और इसके सारे स्क्रू इधर रख देने हैं हमको। फिर इसके जो है ये मेन कनेक्टर वगैरह सब हमको निकाल लेने हैं। ये कनेक्टर निकाल लिया, ये कनेक्टर, सबसे पहले बैटरी का निकालना था बट कल कोई नहीं गाइस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, मदरबोर्ड खोल लेना है, जो कि हमने खोल लिया है। ये देखिए गाइस, इसका मदरबोर्ड हमारे हाथ में आ गया है। तो अब जो है कि हमें ये इसकी यहाँ पे प्लेट है, इस आईसी को निकाल के रिबॉइलिंग करके दोबारा लगाना है। बट अगर आपके पास कोई प्लेट नहीं है, इसके मतलब इक्विपमेंट जो आपको इम्पोर्टेंट है वो नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्मली बस खाली इसे हीट कर सकते हैं पेस्ट लगा के। ऐसा कवर होता है इस पर, जो कि कवर मैंने हटा दिया है गाइस, ये देखिए कवर मैंने हटा दिया है। तो आपको भी बहुत प्यार से कवर हटा लेना है इसका। जो कवर हटाने के बाद आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल कवर होता है उस कवर को हटाने के बाद इस पर आईसी को पेस्ट लगाना है। आप हल्का हल्का पेस्ट लगा लीजिए, बहुत ही बारीकी से पेस्ट लगाना है आपको। तो इस पे हमने जो कि हम पे पेस्ट लगाना था, बहुत ही आराम से इस पे पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट क्या है, जो ये एकदम वो हो गया तो इसको हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। कर
गाइस अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तभी ये करिए, अगर आपके पास सब कुछ है, सारी सुविधा उपलब्ध है तो आप आईसी चेंज कर दीजिए। अब हम इसे इसके टेम्परेचर पे हीट करेंगे, नॉर्मली हीट करेंगे अब हम इसको, हल्का हल्का, बहुत ही कम हीट करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है गाइस। और इसको चुमकी से हल्का हल्का दबाएंगे। उससे क्या है, जो भी इसके एक नेटवर्क की वायर होगी जो निकल गई है, या इसके अंदर के जो प्लेट पे एक एक पॉइंट होते हैं, अगर कोई भी पॉइंट हट गया है या अपने प्लेस से मिसप्लेस हो गया है, तो वो क्या है, जो कि हटने की बजाय रिबॉइल होके वापस पेस्ट हो जाएगा, वापस चिपक जाएगा। तो आपको बस इतना सा ही करना था काम, और फिर हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको लगा लेंगे, बहुत ही प्यार से इसको वापस लगा लेंगे गाइस। बहुत ही नॉर्मल लगाना है हमको इसको। अब जो जो हमारी यहाँ पे थी, ये नेटवर्क वायर थी, तो हम नेटवर्क वायर लगा लेंगे पहले। नेटवर्क वायर लगा लेंगे और देखिए गाइस, जो कि एक यहाँ पे स्क्रू था वो लगा लेंगे मदरबोर्ड का, और फिर ये सारे कनेक्टर जॉइंट कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने इसको ऑन कर लिया है। ये देखिए गाइस, तो हमारा ये उससे आगे बढ़ चुका है, सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ चुका है गाइस। तो अब हमें बस नॉर्मली इसमें क्या करना है कि इसको पैक कर देना है। हालांकि ये प्रॉब्लम अगेन नहीं आएगी, अगर अगेन आती है ये प्रॉब्लम तो आपको फिर इसके मदरबोर्ड की आईसी को निकाल के वापस हटाना लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको काफ़ी टाइम और पूरे इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ये शॉर्ट तरीका बताया मैंने गाइस आपको, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस आप इसको शेयर कर दीजिए, बहुत ही बढ़ा दीजिए। ये जानकारी आपको सभी लोगों को देनी चाहिए, जो कि आप नॉर्मल परेशान हो जाते हैं, हमारे छोटे भाई जिन्होंने भी शुरुआत करी है, या जो लोग अभी अपना करियर बनाना चाहते हैं इन्हीं सब चीज़ों में, तो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें हालांकि प्रॉब्लम ना आए, यदि प्रॉब्लम आती है तो ये इसे देख के हटा दें। तो गाइस देखिए, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। इसकी लाइट डिम है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, पूरा पैक करने के बाद चार्जिंग पर लगा लेंगे। अब गाइस देखिए, चार्जिंग का टाइम आ गया है, ये ब्राइटनेस भी बढ़ गई है, एवरीथिंग ओके। गाइस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, और लाइक कर दीजिएगा, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।